चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग जो है ना, वो पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा देख रहे थे। मैं उसको ज़रा रिवाइज़ करूँगा जल्दी से, फिर उसके बाद हमने जहाँ तक देख लिया था आज जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा भी ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ साथ जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर कल से हम इंशाल्लाह ताला सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी है वो स्टार्ट कर देंगे, सही है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं ये डायग्राम से रिवाइज करता जाऊँगा कि फर्टिलाइजेशन हुई, फिर डे वन पे वन सेल स्टेज, डे टू पे टू सेल स्टेज, डे थ्री पे फोर एट सिक्सटीन सेल स्टेज। जब सिक्सटीन सेल स्टेज होगा इसको मरूला बोलेंगे, फिर जब 32 प्लस सेल स्टेज होगा इसको एडवांस मरूला बोलेंगे और ये यूट्रस में इंटर हो चुका होता है। फिर एडवांस मरूला ब्लास्टुला में चेंज होता है, कैसे, एच टू अंदर इंटर होगा, एक आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। फिर उसके बाद आगे हमने क्या देखा, हमने उसके बाद इम्प्लांटेशन देखी कि इम्प्लांटेशन कैसे बनती है, बाकी आउटर सेल मास से क्या बनता है, इम्प्लांटेशन होते हैं, इनर सेल मास से पूरे एम्ब्रियो से पूरी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के जरिए। उसके बाद हमने कहा कि जो इम्प्लांटेशन होती है वो, हमने कहा तीन लेयर्स होती है, एंडोडर्म अंदर वाले लेयर, एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम। फिर एंडोमीट्रियम में मजीद दो लेयर्स होती हैं, डेसिडुआ फंक्शनलिस और डेसिडुआ बेसालिस। जो इम्प्लांटेशन होती है वो डेसिडुआ फंक्शनलिस में होती है। और इम्प्लांटेशन होती कैसे, अगर इधर हो और नीचे हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो ये सारी लिखी हुई हैं, ये वाली कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होती है कैसे होती है, पहले लूज अटैचमेंट, फिर टाइट अटैचमेंट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, वीक वन में क्या होता है, वीक वन में हमने पहले कहा कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स पहले क्या बनाएंगे, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, फिर उनके बीच में नीचे यहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स पड़े होंगे बेसल सेल में, फिर इनसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे जो इसको मजीद आगे मूव कराते जाएंगे, और इन्हीं से बीटा एचसीजी हार्मोन भी रिलीज होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कराता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। समझ आ रही है ना, पिछले वाली रिवीजन हो रहा है। फिर डे नाइन पे ये होता है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आगे की तरफ मूव करती है तो दरमियान में स्पेसेस रह जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लिगनाए। फिर इन जो सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट है इससे प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो जाके ब्लड वेसल्स को रप्चर करते हैं और यहाँ से ब्लड निकलकर लिगनाए में डिपॉजिट करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरविलर स्पेसेस फिल्ड विद ब्लड। ये डे नाइन पे होता है। डे ट्वेल्व पे क्या होता है, डे ट्वेल्व पे ये होता है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और इम्यूनाइटेड कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक के दरमियान में कनेक्टिव सेल टिश्यूज की एक लेयर बनती है जो कि हेपोब्लास्ट और प्राइमरी यॉर्क सैक बनाते होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये डे 12 पे होता है। डे 13 और डे 14 में क्या होता है कि मिडल वाले सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के मिडल वाले सेल्स डेड होंगे और यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम। आउटर वाली इसकी जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सोमैटिक और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक। और एक ये कनेक्टिंग स्टॉक बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वही सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें डे 13-14 में एक और क्या होता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं वो प्रोलीफरेट करते हैं टुवर्ड्स फिंगर्स और उनसे बाहर की तरफ प्रोलीफरेट कर जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी विलस। और बाहर की तरफ प्रोलीफरेट करके ये आउटर साइटोट्रोफिक ब्लास्टिक साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स शेल बना देते हैं जो कि इंटरविलस स्पेस क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, आज हमने क्या देखना है, वीक थ्री। कल हमने यहाँ तक देख लिया था ना, डे 13 डे 14। आपने कल क्लास ली थी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपने ज्वाइन करके मोबाइल रख दिया था। नींद आ गई थी। चले, आपने कल क्लास ली थी डॉक्टर नदीम? आपने भी क्लास नहीं ली थी, इसीलिए आप रवियन सुन नहीं रहे थे कि रवियन हो क्या रही है। अच्छा, जो जूम पे बैठे हुए मैंने जो रवियन करी ये समझ आ गई है, और हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब मैं इससे आगे बताऊँगा, जिसको यहाँ तक आता है उसको आगे मसला नहीं होना। बताया मुझे, यहाँ तक समझ आ गई है जो मैंने रवियन की है? रिस्पॉन्स करें मुझे जूम पे। ये मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज कराया क्योंकि हमने ये कल बड़े डिटेल में इसको देखा था, बार बार मैंने रिपीट कराया था। मेरे ख्याल में सो गए हैं सारे डॉक्टर जुबैर की तरह, जैसे कल आप सो गए थे। चले, अब वीक थ्री में क्या होता है? वीक थ्री में ये होता है कि देखें, गौर करें, अब उससे आगे हम मूव करेंगे। वीक थ्री में ये होता है कि देखें प्राइमरी, अब देखें फिर सुन लें इसको, ये क्या है, इंटरविलस स्पेस है, इंटरविलस स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। ये क्या है, आउटर शेल मास है, ये वाला आउटर शेल है, आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है ये वाला। और ये वाले क्या हैं, ब्लू वाली, ये क्या है, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट। और ये ग्रीन वाले सेल्स कौन से हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिनको हमने प्राइमरी विलाई भी बोला है, अभी हमने कहा प्राइमरी विलस बने। अब इनके दरमियान में हमने कहा दो लेयर होती है, एक सोमैटिक लेयर, एक कौन सी लेयर होती है, स्प्लेनिक लेयर। जो सोमैटिक लेयर होती है वो अब प्रोलीफरेट करती है, और प्रोलीफरेट करके अगर ये आपका है जो हमने अभी कहा कि सोमैटिक सेल्स हैं, ये क्या हैं,
एक्सपोज ये सोमैटिक सॉरी नहीं सोमैटिक नहीं साइटोट्रॉफिक सेल्स हैं। और साइटोट्रॉफिक सेल्स के इर्द गिर्द कौन से सेल्स हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट है और ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये वाले। अब एक और चीज़ आती है, वो क्या है? वो है कि जो बाहर वाली लेयर होती है आपकी, कौन सी लेयर होती है बाहर वाली? ये वाली सोमैटो मेसोडर्म लेयर, ये वाली। इस लेयर्स के सेल प्रोलीफ्रेट करते हैं, प्रोलीफ्रेट करते हुए इसके मिडल में जाते हैं ऐसे। किसके मिडल में जाते हैं? जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनके मिडल में जाते हैं ऐसे। अब ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के मिडल में चले गए, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी विलाई। क्या बोलते हैं इनको हम? सेकेंडरी विलाई, सेकेंडरी क्रोनिक विलाई, कोरियोन। मैंने बताया था कोरियोन क्या होता है, कि ये पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है लेकिन फीटस का पार्ट होता है, ठीक है? पार्ट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटस। तो देख लें, सबसे आउटर आपके पास क्या है? सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट। फिर ये क्या थी? साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर मैंने कहा साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर सोमैटिक लेयर्स के सेल्स ऐसे बीच में प्रोलीफरेट करते हैं और जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्रोनिक विलाई। तो ये आपकी होगी बाहर वाली सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट या फिर प्राइमरी विलाई इसको बोलते हैं, और उसके बीच में क्या होगी आपकी? सेकेंडरी विलाई होगी, ओके। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? ये वाले सेल जो ब्लू वाले हैं, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, मैंने कहा साइटोट्रोफोब्लास्ट जहाँ से प्राइमरी विलाई यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर ऐसे आउटर शेल बना देते हैं, किसके इर्द? इंटरविलर स्पेसेस के इर्द गिर्द। इस आउटर शेल को हम क्या बोलते हैं? आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। तो ये आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, उसके अंदर सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट, फिर ये ब्लू वाला साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल या फिर प्राइमरी विलाई, फिर उसके अंदर मेसोडर्मल सेल्स सोमैटिक लेयर के, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी विलाई। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, सही है? ये आपका वीक थ्री में ये वाली चीज़ें होती है। वीक थ्री में आप देखें, जो डे 13-14 था उस पर आप यूँ समझ लें कि प्राइमरी विलाई बना था डे 13 एंड डे 14 में। प्राइमरी विलाई क्या मतलब? कि साइटोट्रोफिक प्लास्टिक सेल्स प्रोलीफरेट किए थे। और डे वीक थ्री में डे 14 के बाद फिर आपके जो सोमैटिक मेसोडर्म थी ये वाली लेयर, इसके सेल्स प्रोलीफरेट करके साइटोट्रोफिक प्लास्टिक या प्राइमरी विलाई के मिडल में प्रोलीफरेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी विलाई। तो अब डे 13-14 में प्राइमरी विलाई बना और वीक थ्री में क्या बना? फिर सेकेंडरी विलाई बना, ठीक है? अब उससे आगे क्या होता है वीक फोर में? वीक थ्री के बाद वीक फोर में क्या होता है? इधर देखिए जी, वीक फोर को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझ लें। उससे पहले देखिए, वीक फोर से पहले ये समझें कि इतनी देर में ना एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो रही होती है। मैंने पढ़ाया था ना कि एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो रही होती है, डिफरेंट तरह की फोल्डिंग होती है, एम्ब्रियो फोल्ड हो रहा होता है। इतनी देर में जो आपका एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वो सब बन चुका होता है और बॉडी बन रही होती है, और जो आपका एम्ब्रियो होता है उसकी फोल्डिंग हो रही होती है। तो ये समझ लें कि आपका अंदर क्या पड़ा हुआ है? एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग पड़ी हुई है, ओके। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है, वो क्या देखनी है? ये एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो गई और इसको हम बोलते हैं ये वाली चीज़ जो है, ये वाली ये मेसोडर्मल लेयर की एक प्लेट बनती है। यहाँ पर मेसोडर्म, जो मेसोडर्म होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उससे क्या बनती है? एक क्रोनिक प्लेट बनती है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक प्लेट। तो इधर ये क्रोनिक प्लेट और ये क्या हो गया? आपका एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो गया। अब इधर मैंने कहा था आपको कि एक स्टाक बनता है ये वाला, मैंने कहा था चार चीज़ें बनती है, एक आउटर लेयर सोमैटिक लेयर, अंदर वाली स्प्लेनिक लेयर, और बीच वाली कैविटी होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलूम होगी, और ये एक स्टाक बनता है, कनेक्टिंग स्टाक। अब ये मैंने कल पढ़ाया था। अब इस स्टाक से क्या बन जाता है? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या क्या बन गया? एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग है, ऊपर क्रोनिक प्लेट है, और क्या बन गया? अम्बिलिकल कार्ड बन गया। अब अम्बिलिकल कार्ड का काम क्या होता है? अच्छा, अब एक और चीज सुन लो यहां पर। और चीज क्या होती है? तीन चीजें होंगी, पहला एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग, दूसरा अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड किससे बना? कनेक्टिंग स्टाक से बना, और क्रोनिक प्लेट बन गई जो कि मेसोडर्मल लेयर से बनी। यहां पे अब क्रोनिक प्लेट बन गई, तीन चीजें होंगी। चौथी चीज सुन ले, चौथी चीज ये है कि जो मेसोडर्मल सेल्स यहां पे होते हैं, ये वाले मेसोडर्मल सेल्स, ये वाले जिन्होंने सेकेंडरी विलाई बनाया था, याद आ रहा है? मेसोडर्मल सेल्स जिन्होंने सेकेंडरी, याद आ रहा है डॉक्टर? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया वीक थ्री में, जिन्होंने सेकेंडरी विलाई बनाया था, ये वाले मेसोडर्मल सेल, ये वाले मेसोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर यहां पर कैपिलरीज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कैपिलरीज। अब इधर कैपिलरीज भी बन गई, कितनी चीजें बन गई? चार चीजें। पहली एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग एम्ब्रियो से बनी हुई थी, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टिंग स्टाक से बना, और क्रोनिक प्लेट कैसे बनी? मेसोडर्मल सेल से। और इसी तरह आपकी कैपिलरीज भी बनी, कैसे बनी? मेसोडर्मल सेल से। चार चीजें बन गई। अब इसका 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 फंक्शन क्या होता है, ये बनती क्यों है? जी आप देखें, अब इसको गौर से देखें। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में, अब ये सब समझ आ गई है, अब सुने, अब गौर से सुने। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर तीन ब्लड वेसल्स होती है। कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक वेन होती है, और दो क्या होती है उसमें? आर्टरीज होती हैं।
ठीक है, एक वेन और दो आर्टरीज होती हैं। अब ये जो आर्टरीज हैं, अब आर्टरीज को हम छेड़ेंगे। आर्टरीज क्या करती हैं, अम्बिलिकल कार्ड से बाहर मूव करती हैं, अम्बिलिकल कार्ड से बाहर निकलती हैं और ये मूव करती हैं टुवर्ड्स द क्रोनिक प्लेट, टुवर्ड्स द क्रोनिक प्लेट, इधर भी इधर भी। जब ये टुवर्ड द क्रोनिक प्लेट मूव करती है तो आपको पता है यहाँ पर मेसोडर्मल लेयर से क्या बनी हुई थी, क्रोनिक कैपिलरीज बनी हुई थी, याद आ रहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्रोनिक कैपिलरीज बनी हुई है, ये जाके क्रोनिक कैपिलरीज के साथ मिल जाती है, तो इन कैपिलरीज को हम क्या बोलते होते हैं, क्रोनिक कैपिलरीज बोलते होते हैं, क्या बोलते होते हैं, क्रोनिक कैपिलरीज। फिर ये आगे मूव करती है मजीद, यहाँ से इस तरह टू आर्टरीज आई, क्रोनिक कैपिलरीज के साथ मिल गई, और मैंने कहा कि इधर भी तो कैपिलरीज बनी हुई है सेकेंडरी विलाई के अंदर, मेसोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट होकर कैपिलरीज बना रहे थे, इनको हम ये जो हमारे पास कैपिलरीज बनती है उनको हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी कैपिलरीज, ये उनके साथ जाके फिर मिल जाती है। तो इस तरह मुकम्मल एक सिस्टम बन जाता है। देखें यहाँ पे, देखें ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये अम्बिलिकल कार्ड पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक वेन और दो आर्टरीज हैं, आर्टरीज यहाँ से जाकर इधर जो क्रोनिक कैपिलरीज बनी थी उनके साथ मिल जाएगा, फिर मजीद आके जाके इधर जो आपकी कॉटिलेडनरी कैपिलरीज मिली है उनके साथ जाके बन जाएगा, मिल जाएगा। अब ये एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल यहाँ तक एक ब्लड की सप्लाई जा रही है ऐसे। और एक और चीज़ याद करें, कल मैंने पढ़ाया था कि ये जो इंटरविलस स्पेसेस हैं इनके अंदर क्या भर रहा था, ब्लड भर रहा था, क्या भर रहा था, ब्लड, लेकिन किसका ब्लड था, वो मदर का ब्लड था, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स डैमेज कर रहे थे ब्लड वेसल्स को और वहां से ब्लड निकल कर यहाँ आ रहा था। अब इन इंटरविलस स्पेसेस के अंदर मदर का ब्लड पड़ा हुआ है और इधर फीटस की कैपिलरीज वगैरह हैं, तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ से जो मदर से ऑक्सीजन जो है ना वो बच्चे को सप्लाई होगी, बच्चे की यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट जाएगी। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी होती है, इसी तरह सारी सप्लाई इस तरह होती है कि मदर के ब्लड से जो इधर मदर का ब्लड इधर फिल्ड अप हुआ था वहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं और यहाँ जो वेस्टेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर जाती है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा होता है, और हाँ, और ये जो सारी जो सारा स्टफ बना है कि बाहर क्या है, आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है, अंदर इंटरविलस स्पेसेस है, फिर उसके अंदर सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट है, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट जिसको हम प्राइमरी विलाई बोलते हैं, फिर उसके बाद मेसोडर्मल सेल्स थे जिनको हम सेकेंडरी विलाई बोलते हैं, ये सारा स्टफ। अब इस पूरे स्टफ को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी विलाई बोलते हैं, टर्शियरी विलाई बोलते हैं। तो पहले डे 12 पे क्या बना, डे 12 पे बना प्राइमरी, सॉरी डे 13 डे 14 पे क्या बना, प्राइमरी विलस, वीक 3 पे क्या बना, सेकेंडरी विलस, अब वीक 4 पे क्या बन गया आपका, टर्शियरी विलस। तो ये सारा जो स्टफ बना है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी विलस बोलते हैं। जी डॉक्टर जुबैर, आपको कोई क्वेश्चन है? जी आपने बताया कि उनका गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो टर्शियरी विलाई बन रहा है तो ये कैसा बैरियर काम नहीं करेगा? हाँ बैरी, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर जुबैर। डॉक्टर जुबैर कहते हैं कि टर्शियरी जो विलाई बना है, देखें वो कहते हैं इसमें बहुत ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इसमें देखें, ये इंटरविलस स्पेसेस पड़ी हुई है, इनके दरमियान और इन कैपिलरीज के दरमियान इधर तबादला होना है, एक्सचेंज होना है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बैरियर है बीच में कि फिर आपकी सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट आ रही है, फिर आपकी जो है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट आ रही है, फिर आपके मेसोडर्मल सेल्स यानी कि सेकेंडरी विलाई आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बीच में आ रही है, तो एक्सचेंज होगा? जी एक्सचेंज होगा, लेकिन इस वक्त एक्सचेंज बड़ा कम होगा। आफ्टर वीक 20 फिर आपकी जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक होती है ना, ये जरा थिक लेयर होती है, ये वाली रिग्रेस हो जाती है, उड़ जाती है, फिर जो है ना वो थिन हो जाती है और फिर अच्छा जो है ना वो तबादला होता है आफ्टर 20 वीक्स तक जो है ना ये साइटोट्रोफोब्लास्ट रिग्रेस नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो ऐसे ही बड़ा कम सा एक्सचेंज तबादला होता है। फिर आगे मैं वो भी मैं आगे बताता हूँ, सही है? तो यहाँ तक समझ आ गया सबको, वीक 4 तक समझ आ गया, जिसको नहीं समझ आया मुझे बताएं, जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, भाई रूम पे रिस्पांस कर दे, मैं आगे नहीं जा रहा जब तक आप लोग नहीं रिस्पांस करेंगे, मैं बैठा हूँ आज, करें आज मुझे रिस्पांस आज आप लोग। नहीं ना करें आज रिस्पांस, मैं बैठा हूँ आज, कोई नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं आज, नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, समझ आया तो फिर भी बताएं, वरना मैं बैठा हूँ आज। चले आज देखते हैं किसकी जिद जाना वो ज़्यादा, मैं हार जाऊंगा। नहीं जाग रहे हैं डॉक्टर सईद, जाग रहे हैं, वो कहते हैं ओके सर समझ आ गए, चले वेल एंड गुड। तो क्या हुआ, डे 13 पे प्राइमरी विलस बना और डे वीक 3 पे सेकेंडरी विलस बना और वीक 4 पे क्या बना आपका, टर्शियरी विलस बना और उससे गैस एक्सचेंज हुआ। अब मैं रीडिंग बाद में कराता हूँ, वीक 4 और वीक 8 में क्या होता है, वीक 4 और वीक 8 में क्या होता है। अब देखें ये आपकी वीक 4 और 8 के दरमियान में क्या होता है, वीक 4 और वीक 8 के दरमियान में कुछ ज़रा खास नहीं होता, ये आपका क्या बना हुआ है, टर्शियरी विलस है ना, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट,
सेकेंडरी विलाई यानी कि सेरेट्रोफोब्लास्ट और बल्कि प्राइमरी विलाई सेरेट्रोफोब्लास्ट और सेकेंडरी विलाई मेसेंटेरल सेल्स और ये आपकी कैपिलरीज और वेंस पड़ी हुई है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है। अब वीक फोर टू वीक एट के दौरान कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ये मल्टीपल एक्सटेंशन हो जाती है, इस तरह मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती है, ब्रांचेस ज्यादा बन जाती है, इस तरह इसकी एक्सटेंशन निकल रही है, देखें ये एक्सटेंशन 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 डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं, और उन ब्रांचेस के अंदर जो आपके अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी होती है उनकी भी फिर क्या हो जाती है, ब्रांचेस हो जाती है इस तरह, वो भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है इस तरह। समझ आ रही है चीज, समझ आ रही है? तो ये इस तरह ब्रांचेस, इसका मकसद क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़रा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, ये लिखा हुआ है किधर गया, सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ जाता है और जो गैसेस एक्सचेंज है वो बेटर होता है, क्योंकि कैपिलरीज बढ़ जाती है तो गैसेस एक्सचेंज ज़रा अच्छा होता है, ठीक है, बस इसका ये मकसद होता है। फिर उसके बाद आपका आता है वीक 16 टू वीक 20, वीक 16 टू वीक 20 इसमें क्या होता है 16 से 20 में, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। याद करें कि ये वाली लेयर कौन सी है एंडोडर्म की, डेसिडुआ बेसेलस, और जिसमें इम्प्लांटेशन होनी थी वो कौन सी है, डेसिडुआ फंक्शनालिस। अब फंक्शनालिस में तो इम्प्लांटेशन हुई पड़ी है, अब ये बेसेलस है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड डेसिडुअल मेम्ब्रेन, डेसिडुअल मेम्ब्रेन। अब डेसिडुअल मेम्ब्रेन से कुछ सेल्स निकलते हैं, लेट मी चेंज द कलर, डेसिडुअल मेम्ब्रेन से टिश्यूज निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, डेसिडुअल मेम्ब्रेन से टिश्यू निकलते हैं और वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, डेसिडुआ फंक्शनालिस की तरफ, ऐसे ऐसे डेसिडुअल मेम्ब्रेन से टिश्यूज निकलते हैं और वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब वो नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इन और ये दरमियान में क्या होते हैं, स्वेल अप होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं, और जब स्वेल अप होते हैं तो दरमियान में ये भर जाते हैं ग्लाइकोजन से और लिपिड से, दरमियान में क्या बन जाता है इनके, फिर ग्लाइकोजन और लिपिड्स, ये दो चीज़ें इनके बीच में भर जाती हैं। जब इनके बीच में दो चीज़ें भरती हैं तो अब ये चीज़ बन जाती है प्लेसेंटा सेप्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सेप्टा। अब ये जो प्लेसेंटा सेप्टा बने ये क्या करते हैं, देखें प्लेसेंटा सेप्टा कैसे बने, फिर सुन लें कि डेसिडुआ जो मेम्ब्रेन है उससे टिश्यूज निकले और वो नीचे की तरफ डेसिडुआ फंक्शनालिस की तरफ मूव किए, जब वो नीचे मूव करते हैं तो दरमियान से वो स्वेल अप होते हैं कि ऐसे खुल जाते हैं, और जो द्वान खुलते हैं वहां पर ग्लाइकोजन और लिपिड से वो भर जाते हैं, जैसे ही वो भर जाते हैं तो एक सेप्टा बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सेप्टा। अब ये सेप्टा बन गया और सेप्टा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये फोर्थ टू फिफ्थ मंथ में हो रहा होता है, मीन दैट आपके 16 टू 20 वीक्स में ये हो रहा होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि अब ये नीचे की तरफ जब आते हैं तो नीचे ये क्या पड़े हुए हैं, टर्शियरी विलाई है ना, क्रोनिक विलाई पड़े हुए, टर्शियरी विलाई या टर्शियरी क्रोनिक विलाई बोलते हैं, सेकेंडरी विलाई या सेकेंडरी क्रोनिक विलाई, प्राइमरी विलाई या फिर प्राइमरी क्रोनिक विलाई बोलते हैं। अब ये पड़े हुए जब ये नीचे आते हैं तो ये इन क्रोनिक विलाई को सेपरेट कर देते हैं, अब ये एक यहां पे आया और ये यहां पे आया, तो इन दोनों के बीच में कितने क्रोनिक विलाई आ गए, दो, तो इसी तरह ये यहां पे आ गया तो कितने आ गया, एक, कहीं पर फिर इधर आएगा फिर दरमियान में कितने आ जाएंगे, हो सकता है तीन आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो इस तरह सेप्टेशन हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं जो विलाई हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, किसी के दरमियान में दो विलाई आ जाते हैं, किसी के दरमियान में एक, किसी के दरमियान में तीन, किसी के दो से तीन विलाई इस तरह आते रहते हैं। तो ये जो अलग अलग सेप्टेशन होती हैं ये एक, ये पूरी एक सेप्टेशन बन गई, इसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन, क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। अब ये एक कॉटिलीडन बन गया, और ये तकरीबन कितनी कॉटिलीडन बनते हैं, तकरीबन 15 से 20 कॉटिलीडन बनती हैं, कितनी, 15 से 20 कॉटिलीडन बन जाती हैं इस तरह, और हर कॉटिलीडन के अंदर मैंने पहले कहा कि दो से तीन जो है ना आपके टर्शियरी विलाई पड़े होते हैं, समझ आ गई है। तो ये आपका वीक 16 टू वीक 20 में हो रहा होता है, समझ आ गया, फोर्थ टू फिफ्थ मंथ में क्या हो रहा होता है। उसके बाद वीक 20 में क्या होता है, ये मैंने पहले बता दिया, डॉक्टर जुबैर का क्वेश्चन था, ये देखें डॉक्टर जुबैर, ये टर्शियरी विलाई है ये वाला सबसे आउटर, ये सबसे आउटर, ये वाला ग्रीन वाली नजर आ रही है, ये ग्रीन वाली सेरोट्रोफोब्लास्टिक आउटर शेल है, फिर उसके अंदर ये सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट ग्रीन वाला, फिर ये कलर जो अंदर वाला है ब्राउन कलर, पता नहीं इसको कौन सा कलर बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट जो भी है मरून बोलते हैं शायद, ये जो कलर है इसको हम क्या बोलते हैं, मेसेंटेरल सेल्स या फिर सेकेंडरी विलाई, और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है, और ये आपकी इंटरविलस स्पेसेस है, इनके दरमियान में गैसेस एक्सचेंज होना है, लेकिन मैंने कहा कि साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, एक थिक लेयर होती है। अब आफ्टर वीक 20 या फिर वीक 20 चल रहा होता या फिर उसके बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है वो रीग्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इधर देखें कोई साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं है, ये आपकी सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट और ये आपकी सेकेंडरी विलाई, प्राइमरी विलाई गायब हो गया है, यानी कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक जो लेयर है वो गायब हो गई है, तो अब जो इनका गैसेस एक्सचेंज है वो बड़ा इजीली और आराम से होता रहता है, और ये कब होता है, वीक 20 में जाके होता है। तो इस तरह आपका मुकम्मल एक प्लेसेंटा बन जाता है, और मुकम्मल एक उसकी क्या हो रही है वो
क्या हो रही है उस उधर उसकी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो भी मैं नीचे डिटेल से बताता हूँ। लेकिन ये देख लें, ये एम्ब्रियो है पड़ा हुआ है, ये अम्ब्रिकल कार्ड के जरिए ब्लड वेसल जा रही है, ये क्रोनिक कैपिलरीज और यहाँ पर फिर कॉटिलेडन कैपिलरीज और कॉटिलेडन कैपिलरीज, फिर इधर इंटरवेलर स्पेसेस पड़ी होती हैं और इंटरवेलर स्पेसेस मदर ब्लड पड़ा होता है, यहाँ से वो उनका क्या हो रहा होता है, तबादला हो रहा होता है। तो इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड देता रहेगा और ऑक्सीजन लेता रहेगा, एम्ब्रियो को जो है ना ब्लड की सप्लाई इस तरह मिलती रहेगी। तो इस तरह जो प्लेसेंटा है उसकी डेवलपमेंट हो गई है। तो किसी को समझ नहीं आया तो बताया मुझे, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, चलो मैं जल्दी से इसकी रीडिंग करा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया है वीक 3 से, वीक 13-14 मैंने पढ़ा दिया था। तो देखें, द सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेल्स स्टार्ट टू इन्वेड इन द सेंटर ऑफ द प्राइमरी विलाई दैट इज मेड ऑफ सेरोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। वो कह रहे हैं कि जो सेरोट्रोफोब्लास्ट है वो प्राइमरी विलाई के अंदर इन्वेड करेगा और सेकेंडरी विलाई बना देगा। इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी क्रोनिक विलाई इन द मिडल दैट इज सराउंडेड, और ये कैसे सराउंड होता है, ये सराउंड होता है आपकी सेरोट्रोफोब्लास्ट, सेरोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर सेंट्रोफोब्लास्ट और फिर ऊपर आपका आउटर जो है ना आपका वो शेल होता है सेरोट्रोफोब्लास्टिक शेल। कोर ऑफ द प्राइमरी विलाई आर स्टिल सराउंडेड बाय द सेंट्रोफोब्लास्ट, आउटर सेरोट्रोफोब्लास्टिक शेल इज स्टिल सराउंडिंग द इंटरवेलस फिलिंग विद द मोर ब्लड, उसमें मोर ब्लड मजीद इकट्ठा हो रहा है, कम्युलेट हो रहा है। वीक 4 में क्या होता है, देयर इज ऑलरेडी एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग इन द एम्ब्रियो, ये वाली एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कैपिलरीज, वो इधर क्रोनिक कैपिलरीज बनाती है और इधर कौन सी कॉटिलेडन कैपिलरीज बनाती है, ये वाली कॉटिलेडन कैपिलरीज और ये वाली क्रोनिक कैपिलरीज ये बन जाती है। द क्रोनिक प्लेट दैट इज थिक पार्ट ऑफ द कोरियन, तो इधर कोरियन का जो मेसोडर्म होती है वो थिक प्लेट बना देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक प्लेट बोलते हैं। द कनेक्टिंग स्टॉक डिफरेंशिएट टू फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द क्रोनिक प्लेट विद द एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग, तो जो कनेक्टिंग स्टॉक होता है उससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन रहा है जो कि एम्ब्रियो को इस प्लेट के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मेसोडर्मल सेल्स ऑफ कनेक्टिंग स्टॉक नाउ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, कनेक्टिंग स्टॉक तो अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया, उसके अंदर जो मेसोडर्मल सेल्स थे डिफरेंशिएट टू फॉर्म द 3 ब्लड वेसल्स, एक वेन और दो कैपिलरीज, सॉरी आर्टरीज, तो दोनों आर्टरीज वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर जो क्रोनिक आर्टरीज होती है इधर क्रोनिक प्लेट के पास पड़ी होती है, क्रोनिक कैपिलरीज उनके साथ मिल जाती हैं। द क्रोनिक कैपिलरीज फिर आगे मूव अप करती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं और इवेंचुअली ब्रांचेस इनटू कॉटिलेडन कैपिलरीज, तो यहां पर कॉटिलेडन कैपिलरीज पड़ी थी उनके साथ मिल जाती हैं। तो इस तरह एक ब्लड वेसल मुकम्मल तौर पर एम्ब्रियो बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है, यहां से लेकर ये एम्ब्रियो था, यहां से ये आर्टरीज जाती हैं इधर मिलकर यहां तक आर्टरीज पहुंच जाती हैं और इधर मदर का ब्लड पड़ा हुआ है, इस तरह उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, सही है। अब आगे देखें, नाउ दिस होल स्टफ इज कॉल्ड टर्शियरी विलाई विच कंटेन्स कैपिलरीज कवर्ड बाय सेकेंडरी विलाई, सेरोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, सेरोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं एंड आउटर सेरोट्रोफोब्लास्टिक शेल भी होता है। देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द टर्शियरी क्रोनिक विलस एंड द मेटरनल ब्लड इन द इंटरवेनस स्पेसेस, CO2 और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम द फीटस टू द मेटरनल ब्लड एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड इवन पैथोजेंस मूव फ्रॉम द मेटरनल ब्लड टू द फीटस ब्लड वेसल्स, दिस रिमेन्स एक्सचेंज और वीक 20 तक इसी तरह की एक्सचेंज होती रहती है। फिर वीक 20 के बाद सेरोट्रोफोब्लास्टिक जो लेयर होती है वो रिग्रेस हो जाती है और फिर ये मजीद बेटर हो जाता है। वीक 4-8 क्या होता है, द टर्शियरी विलस फर्दर एक्सटेंड्स आउट इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, तो ये मल्टीपल ब्रांचेस देता है बट स्टिल कंप्लीटली कवर्ड बाय द सेरोट्रोफोब्लास्ट, अभी तक रिग्रेस नहीं हुई, वो भी मौजूद है सेंट्रोफोब्लास्ट उसके इर्द गिर्द है। फिर दिस मल्टीपल ब्रांचिंग, इसका मकसद क्या होता है कि सर्फेस एरिया बढ़ जाता है और एक्सचेंज जरा बेटर होती है। वीक 16-20 क्या होता है, सम टिश्यूज फ्रॉम द डेस्टिटल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिफरेंशिएट इनटू ब्रांचेस कॉल्ड प्लेसेंटा, यही बात, ये प्लेसेंटा सेप्टा बनेगा, ये वाली प्लेसेंटा सेप्टा स्वेल्स अप एंड फिल्स विद द ग्लाइकोजन लिपिड्स, अब इसको दी सेप्टा इन्वेड्स इन द इन बिटवीन द टर्शियरी विलस एंड सेपरेट्स देम इनटू सेप्टेशंस कॉल्ड कॉटिलेडन्स, इट फॉर्म्स 15-20 कॉटिलेडन्स एंड ईच कॉटिलेडन कंटेन 2-3 टर्शियरी विलाय। वीक 20 से ऊपर क्या होता है कि सेरोट्रोफोब्लास्ट रिग्रेस हो जाएगी और ये एक्सचेंज को मजीद बेटर और क्विक कर देगी। दैट्स इट, एक आखिरी रवैया सुन लें कि क्या होता है। देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बनी, फिर उसके बाद डे 13 पे प्राइमरी विलस बना, प्राइमरी विलस से पहले हमने कहा कि क्या बना, एक ऊपर वाली लेयर जो सोमैटिक लेयर थी, फिर अंदर वाली स्प्लेनिक लेयर, फिर बीच में कैविटी बनी, कनेक्टिंग स्टॉक बना, फिर प्राइमरी सेरोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ने प्रोलिफरेट किया सेंट्रोफोब्लास्ट में और प्राइमरी विलस बन गया। फिर वीक 3 में सेकेंडरी विलस बना, मेसोडर्मल सेल्स ने इनके दरमियान में सेरोट्रोफोब्लास्ट सेल्स के दरमियान में इन्वेड किया और आपकी क्या बन गई, सेकेंडरी विलस बन गई। फिर उसके बाद वीक 4 में ये आपके एम्ब्रियोनिक कैविटी, फिर एम्ब्रिकल कार्ड से फिर जो है ना दो आर्टरीज जाके इन आर्टरी से मिलेंगी क्रोनिक आर्टरी से, फिर इधर जाके वो कॉटिलेडन कैपिलरी से जाके मिलेंगी और फिर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इस तरह एक्सचेंज होगा। उसके बाद वीक 4-8 में कुछ नहीं होता, बस ब्रांचिंग होती है। फिर उसके बाद वीक 16-28 में कुछ भी नहीं होता, सेप्टेशन होती है, कॉटिलेडन बनते हैं और ये आपके प्लेसेंटा सेप्टा बनता है। और वीक 20 में ज्यादा कुछ नहीं होता, सेरोट्रोफोब्लास्ट रिग्रेस होती है और एक्सचेंज जो है वो मजीद बेटर हो जाता है। दैट्स इट, समझ आ गई है।
अब हमने जो एम्ब्रियो पढ़ी है उसको मैंने अभी तक उसको जूम किया हुआ था, अगर मैं उसको वाइंड अप करूँ और उसको जूम को बैक करके लेके जाऊँ तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक पिक्चर आप लोग देखें। ये यूट्रस, ठीक है, उसके बाद ये क्या पढ़ा हुआ है, एम्ब्रियो पढ़ा हुआ है, फीटस पढ़ा हुआ है, बेबी पढ़ा हुआ है, अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और ये यूट्रस की लेयर्स हैं, आउटर लेयर, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। अब एंडोमीट्रियम के अंदर जो आपका जो एम्ब्रियो पड़ा हुआ है उसकी दो लेयर, आउटर सेल मास, इनर सेल मास। अब उनकी लेयर्स कैसे कैसे हैं, ये तो इनर सेल मास हुआ, ये एम्ब्रियो मित्र एम्ब्रियो ब्लास्ट हुआ, जो आउटर सेल मास है ट्रोफोब्लास्ट है उसकी लेयर्स कैसे बनती है। सबसे पहले तो ये देखें, ये आपका ये क्या हो गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ ये क्या अटैच है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से ये क्या है, दरमियान में मेसोडर्म है, क्या है, मेसोडर्म उसकी लेयर है। अब जो सबसे पहली कैविटी होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है जो कि वेरी क्लोज टू द एम्ब्रियो ब्लास्ट होती है, वो ये वाली, ये ब्लू वाली नजर आ रही है, ये ब्लू वाली लेयर है जो कि आपके एम्ब्रियो के बिल्कुल क्लीज करीब पड़ी होती है। इसको हम क्या बोलते होते हैं, इसको हम बोलते होते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के सबसे करीब होती है वो कौन सी होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी होती है, उसके बाद होता है कोरियोन। क्या होता है, कोरियोन। अब कोरियोन मैंने अभी आपको बार बार पढ़ाया है। अब कोरियोन के दो पार्ट्स होते हैं, कोरियोन कौन सी है, ये रेड वाली ये क्या है, कोरियोन है। लेकिन इस कोरियोन के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स किस तरह आप देख सकते हैं, इसका ये वाला पार्ट स्मूथ है ना, और ये वाला पार्ट क्या है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन दे रहा है। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन नहीं है, बेसिकली ये क्या है, टर्शियरी विलाई है। अभी हमने पढ़े ना टर्शियरी विलाई, तो ये वो टर्शियरी विलाई है जिनके अंदर वो ब्लड वेसल सब कुछ पड़ा हुआ है। तो जो टर्शियरी विलाई है, इन टर्शियरी विलाई का ये वाला जो पार्ट है, इस मुकम्मल पार्ट को, तमाम टर्शियरी विलाई को कलेक्ट करें तो इस मुकम्मल पार्ट को बोलते हैं क्रोनिक फ्रंडोसम। क्या बोलते हैं, क्रोनिक फ्रंडोसम। और ये इसका ये वाला पार्ट जो कि बिल्कुल स्मूथ है, जो क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें टर्शियरी विलाई नहीं है। और ये टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी होता है, ये किसकी तरफ होता है, यूट्राइन कैविटी की तरफ होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक लेफ। क्या बोलते हैं, क्रोनिक लेयर। तो अंदर वाली लेयर कौन सी हुई, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्रोनिक लेयर हुई, उसके दो पार्ट्स हुए, ये वाला पार्ट जिसमें टर्शियरी विलाई है जो कि प्लेसेंटा में काम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक फ्रंडोसम। और जो दूसरा इसका स्मूथ पार्ट है जो यूट्राइन कैविटी की तरफ है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक लेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद डेसिडुआ, इसकी एक आखिरी लेयर होती है, तीसरी लेयर, वो उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो ये आपको नजर आ रही है, ये वाली ऑरेंज वाली, ये ऑरेंज वाली नजर आ रही है। तो इसकी तीन पार्ट होते हैं, इसके एक ये वाला पार्ट, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसेलिस। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसेलिस। अब डेसिडुआ बेसेलिस का काम क्या होता है, डेसिडुआ बेसेलिस इस क्रोनिक फ्रंडोसम के साथ मिलती है, ये वाली जो क्रोनिक लेयर का ये वाला पार्ट था टर्शियरी वाला, इसके साथ मिलती है और क्या बना देती है, प्लेसेंटा बना देती है। तो ये प्लेसेंटा में इसका रोल होता है। इसकी अब ऑरेंज की जो डेसिडुआ की ये वाली लेयर है, ऑरेंज वाली, ये डेसिडुआ बेसेलिस हो गई। फिर उसके बाद ये दूसरी लेयर इसकी, ये वाली ऑरेंज वाली, इसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। फिर इसके बाद इसकी एक तीसरी होती है, ये वाली लेयर। अब ये वाली लेयर कहीं पर भी एम्ब्रियो को टच कर रही है, नहीं, ये एम्ब्रियो से दूर है, ये वाली एम्ब्रियो से बहुत करीब पड़ी हुई थी सारी। ये एक वैद होती है जिसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पेरिटेलिस, वही पेरिटेल के आउटर लेयर, पेरिटेलिस। ये बिल्कुल भी इसको टच नहीं कर रही होती, बाहर जा रही होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, तो ऐसे बच्चा इस तरफ मूव अप करेगा, तो ये वाली जो लेयर्स हैं ये इस तरफ मूव करेंगी ना, तो जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है जाके इसके साथ फ्यूज कर जाती है डेसिडुआ पेरिटेलिस के साथ। तो ये आपके बच्चे का एक व्यू कंप्लीट तौर पर नजर आता है, जो कि नजर आके दरमियान में ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, फिर ये क्या हुआ, एम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, फिर एम्बिलिकल कॉर्ड के बाद जो सबसे पहली लेयर होती है ये वाली एमनियोटिक मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो क्रोनिक मेम्ब्रेन। इसकी दो पार्ट्स होते हैं, पहला क्रोनिक फ्रंडोसम जिसमें टर्शियरी विलाई होते हैं, दूसरा स्मूथ टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, इसको बोलते हैं क्रोनिक लेब। फिर उसके बाद जो आखिरी लेयर होती है, दैट इज योर डेसिडुआ। डेसिडुआ की एक ऑरेंज पार्ट ये वाला डेसिडुआ बेसेलिस, ये क्रोनिक फ्रंडोसम के साथ मिलकर प्लेसेंटा बनाता है, और उसके बाद उसका एक ये वाला पार्ट डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और ये बिल्कुल जो कि यूनिक है, जो एम्ब्रियो को टच नहीं कर रहा है, डेसिडुआ पेरिटेलिस। लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती है तो ये लेयर इस तरफ मूव करती है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जाके डेसिडुआ पेरिटेलिस के साथ फ्यूज कर जाती है, मर्ज जाती है। समझ आ गया भाई, पक्की बात है। तो ये थी उसकी मैक्रोनाट में, देखें इसकी रीडिंग देखें। द फीटस इज लोकेटेड इनसाइड द यूट्रस एंड इज कनेक्टेड टू द यूट्राइन लाइनिंग वियर द अम्बिलिकल कॉर्ड। सही है, समझ आ गया। उसके बाद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द फीटस, तो पहले वाली वो होती है। द कोरियन इज द नेक्स्ट लेयर एंड हैज टू पार्ट्स, क्रोनिक फ्रंडोसम, दिस पार्ट कंटेन्स मल्टीपल एक्सटेंसिव क्रोनिक विलाई, टर्शियरी विलाई
जो बहुत से होते हैं, और वो इस तरह के होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब इस तरह के, उसकी मल्टीपल ब्रांचेज होती है, ये वाली ठीक है, और होते भी बहुत से। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल क्रोनिक विलाई इज कॉल्ड क्रोनिक फ्रंडोसम। क्रोनिक लेव, ये लीव नहीं होता, लैब होता है, LAEVE, ये आपने मुझे ठीक कराना है। दिस पार्ट हैज नो एक्सटेंशन, इसमें कोई एक्सटेंसिव विलाई नहीं होती, ये बिल्कुल क्या होती है, स्मूथ होती है, और ये फेस कर रही होती है यूट्राइन कैविटी की तरफ। दिस थिन फ्लैट स्मूथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रोनिक लेव। अब उसके बाद अगली लेयर कौन सी होती है, आखिरी, डेसिडुआ इज द लास्ट, हैज थ्री पार्ट, डेसिडुआ बेसिलिस। दिस पार्ट इंटरेक्ट्स विद द क्रोनिक फ्रंडोसम, और ये बोथ देम कलेक्टिवली फॉर्म द प्लेसेंटा। डेसिडुआ कैप्सुलरिस द पार्ट ऑफ डेसिडुआ फेसिंग द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी की तरफ। डेसिडुआ पेपिलरिस द पार्ट ऑफ डेसिडुआ वेयर देयर इज अ नो फीटल इन्वॉल्वमेंट, कोई फीटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कोई अटैच नहीं है उससे। बट इवेंचुअली एज द फीटस ग्रोज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस विल मर्ज विद द डेसिडुआ पेपिलरिस एंड ऑब्लिट्रेट द इंटायर यूट्राइन कैविटी। तो जो अंदर वाली यूट्राइन कैविटी जो भी थी, ये वाली, ये सारी ऑब्लिट्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इधर सारा क्या जाता है, फीटस हो जाता है मुकम्मल तौर पर, सही है। तो ये मैक्रो, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं प्लेसेंटा के, वो देखते हैं, बड़े आसान से यार, बड़े मजे के और बड़े इंटरेस्टिंग से। सबसे पहले इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, फिर इसके हार्मोनल फंक्शंस हैं, फिर कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन में देखें, गैस एक्सचेंज हमने पहले देखा है कि जो फीटस है, फीटस कार्बन डाइऑक्साइड मदर को देगा और मदर से ऑक्सीजन लेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस एक्सचेंज बोलते हैं, दैट्स सो सिंपल। और ये हो कहां पे रहा होता है, कि उधर उसकी कौन सी होती है, क्रोनिक और कोटिलेडरल कैपरीज होती है, और मदर का ब्लड कहां पर पड़ा होता है, इंटरविलस स्पेसेस में पड़ा होता है, और वहां से हो रहा होता है तबादला, ये सही है, पता है ना कहां से हो रहा होता है, स्केच बन गया माइंड में, कि दोबारा जाऊं वापस, चलें गुड। तो ये गैसेस एक्सचेंज इस तरह होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी, न्यूट्रिएंट्स बच्चे को कैसे सप्लाई होते हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, इमेनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, वाटर सोलबल बी विटामिन्स हो गए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई होते हैं। और किस किस, ये देखें, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, इमेनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड वाटर सोलबल विटामिन्स, बी विटामिन मोस्टली, आल्सो डिलीवर टू द फीटस फ्रॉम द मदर वी एट डिफरेंट वेज, लाइक सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, और ये भी उसी ब्लड वेसल के जरिए तबादला हो रहा होगा, उधर कोटिलेडरी जो कैपिलरीज है उनके जरिए, और साथ में क्या पड़ेगी, इंटरविलर स्पेस, उनके दरमियान में इन प्रोसेस के जरिए से सप्लाई हो रही होगी न्यूट्रिएंट्स की। फिर है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, उसमें आपने किसी ऑर्गेनिज्म को एंटीजन दिया, उसने एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली, एक्टिव इम्यूनिटी। ये है पैसिव इम्यूनिटी, कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडीज दे रहे हैं, एंटीजन नहीं दे रहे, डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडी, वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसमें देखें, मदर ने क्या बनाई होती है अपने अंदर, आईजीजी एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडीज जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है, याद है डॉक्टर जुबैर, आपको याद है डॉक्टर नदीम, आईजीजी मैंने एंटीबॉडीज पढ़ाया था इम्यूनोलॉजी में, मैंने कहा आईजीजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और ये बच्चे की इवन के बर्थ के बाद भी बच्चे के अंदर रहती है और उसको इम्यूनिटी देती है, बाद में कर लीजिएगा। अच्छा पूछे, क्योंकि जो और एंटीबॉडीज होती है वो मर्ज शेप में होती है, ठीक है, उनके आपस में जो है ना एक प्लग टाइप होता है, तो वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, और ये जो है ना उसमें से क्रॉस कर सकती है। जी बताएं, ये ब्लड सीरम में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाँ, वो भी ब्लड सीरम में इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, और वो भी, और ये उसमें से क्रॉस भी कर सकती है। वही मैंने बेसिकली जो बात है वो मॉलिक्यूलर साइज की है, मैंने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, छोटा होता है, और ये उसके अंदर से इजीली क्रॉस कर सकती है, लेकिन जो दूसरी होती है उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये एक चीज ये भी ठीक है कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कि जो चीज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिफ्यूज होगी, लेकिन डिफ्यूज तो तभी होगी ना जब वो उसमें से गुजर भी सकेगी कम से कम। अब ठीक है, इधर से बंदे लेके आए, 20 बंदे लेके, हम कहेंगे वो बड़ा फ्लोली अंदर तेजी के साथ रूम में आएंगे, लेकिन वो मोटे ना होंगे, दरवाजे से ही ना गुजर सके, ठीक है। तो देखें, अब मदर ने आईजीजी एंटीबॉडीज बनाई होती है पैथोजेंस के खिलाफ, अब ये एंटीबॉडीज उस प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस होकर कहाँ पे आ जाती हैं, बच्चे के अंदर, और अगर बच्चे में कोई पैथोजन जाएगा तो वो आईजीजी उनके खिलाफ क्या करेगी, फाइट करेगी। तो आईजीजी एंटीबॉडीज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, द मदर हैज ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिफरेंट फॉरेन एंटीजेंस, नाउ दीज एंटीबॉडीज हेल्प द फीटस टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। हो गया ये तीन, गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसका चौथा एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस, ये मैं बाद में भी पढ़ाता हूँ। इससे पहले इसका एक और फायदा देख लें, वेस्ट रिमूवल, कि लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड जो बच्चे में बनता है, वो भी कैसे रिमूव होता है, प्लेसेंटा के जरिए वो फीटस से कहा जाता है मदर के अंदर, फिर वहां से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसके ब्लड से जाता हुआ एक्सीडेंट होता है बाहर, सही है, मदर के ब्लड में जाता है तो मदर का ब्लड साफ होता है किडनीज के जरिए, फिर वो क्लियर होता है, सही है। तो अब ये इसका एक नुकसान होता है, वो क्या है,
हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस। अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है वो आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसके जो आरबीसीज हैं, उसके क्या हैं आरबीसीज हैं, उसके अंदर उसकी सरफेस के ऊपर जो आरएच एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, यही होगा ना। आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब है कि जो आरबीसीज है उस बंदे के जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं है। अगर आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है तो आरएच एंटीबॉडी होगी, आरएच एंटीबॉडी होगी। जिसके पास एंटीजन नहीं होती उसके पास एंटीबॉडी होती है। अब इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी होगी। दूसरा मैं कहता हूं हमारे पास एक और बंदा है, वो क्या है आरएच पॉजिटिव है, वो क्या है आरएच पॉजिटिव है। अब आरएच पॉजिटिव का मतलब है कि इसके जो आरबीसीज हैं उनके अंदर जो आरएच फैक्टर है वो प्रेजेंट है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इसके पास जो है ना आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन है, तो आरएच एंटीबॉडी इसके पास होगी नहीं होगी, आरएच एंटीबॉडी इसके पास नहीं होगी। एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगी। अब इधर क्या होता है, अगर वो कहता है कि एक बार मदर प्रेग्नेंट हुई और मदर क्या थी आरएच नेगेटिव थी, मदर क्या थी आरएच नेगेटिव थी, जब वो आरएच नेगेटिव होती है तो मदर के पास आरएच एंटीजन नहीं होती लेकिन उसके पास आरएच एंटीबॉडी होती है। अब जो मदर प्रेग्नेंट हुई है और उसका जो बच्चा हुआ है वो आरएच पॉजिटिव हो गया है, वो क्या हो गया आरएच पॉजिटिव हो गया, तो जब वो आरएच पॉजिटिव होगा तो मदर की जो आरएच पॉजिटिव उसकी तो एंटीबॉडीज हैं, आरएच एंटीबॉडीज हैं, वो प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस हो सकती हैं और प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस होके, देखें इससे पहले ये सुन लें कि जब बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है तो जो आरएच पॉजिटिव है तो इसकी जो इसके ऊपर आरएच एंटीजन है तो ये आरएच एंटीजन प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर के अंदर जा सकती है, मदर के ब्लड के अंदर जा सकती है। जब वो आरएच एंटीजन देखेगा तो वो क्या बनाना शुरू हो जाएगा आरएच एंटीबॉडीज, पहले से भी पड़ी हुई है, अब वो आरएच एंटीबॉडीज बनाएगा और वो बच्चे की आरएच जो एंटीजन थी उसको क्या कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आरएच एंटीबॉडीज जो मदर के अंदर गई वो तो डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन मदर ने अपने अंदर आरएच एंटीबॉडीज मेमोरी एंटीबॉडीज बना ली है ना, अब मेमोरी एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब इस बच्चे की जो पहला बच्चा था उसकी तो बर्थ हो गई या फिर इबॉर्शन हुई कुछ भी हुआ हो गया, अब नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा हुआ और सेम सीन हुआ, मदर तो है आरएच नेगेटिव, अगर दोबारा भी बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो अब तो मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडीज बनी हुई है ऑलरेडी, तो वो प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करके बच्चे के अंदर आ सकती है और उसकी जो आरएच एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो आरबीसी सेल्स क्या हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी तो इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज, या फिर इसको हम रेसोस डिजीज भी बोलते होते हैं, या फिर इसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी बोलते होते हैं। डॉक्टर नदीम ये समझ आई है कि इसको मैं रिपीट करूँ, एक दफा रिपीट कर देता हूँ, सुने इसको गौर से सुने इसको। वो कहते हैं जी अगर मदर है आरएच नेगेटिव तो उसके ऊपर एंटीजन नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडी होगी, बनी भी नहीं होगी लेकिन बनेगी सही, और अगर बंदा है आरएच पॉजिटिव तो आरएच एंटीजन होगी लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। अब मदर आरएच नेगेटिव है, बच्चा है आरएच पॉजिटिव, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो जो उसकी जो आरएच एंटीजन है बच्चे की आरएच एंटीजन होगी उसकी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के अंदर जा सकता है, जैसे ही वो मदर के अंदर जाएगी मदर देखेगी आरएच एंटीजन आ गई है उसके पास एंटीजन, वो कहता है मेरे पास तो एंटीजन नहीं थी ये एंटीजन कहां से आ गई, वो कहता है फॉरन एंटीजन है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना देगी आरएच एंटीबॉडीज, आरएच एंटीबॉडीज जो बच्चे की जो आरएच एंटीजन गई हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब इस वक्त बच्चे की सिर्फ वो वाले आरबीसीज डेड हो रहे हैं, वो वाली एंटीजन डेड हो रही है जो कि बच्चे से निकलकर प्लेसेंटा के जरिए मदर में गई थी, सिर्फ वो वाली डेड हो रही है, लेकिन मदर इसको किल करके फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी मेमोरी के तौर पर, अब ये एंटीबॉडीज मदर के अंदर सर्कुलेट कर रही है ब्लड में। अब ये जो पहला बच्चा था इसकी भले इबॉर्शन हो गई या बर्थ हो गई कुछ भी हो गया, जब दूसरा बच्चा होगा दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव है, तो जब दूसरा बच्चा आरएच पॉजिटिव है मदर तो आरएच नेगेटिव है और उसके अंदर मेमोरी एंटीबॉडीज भी चल रही है, मेमोरी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके उसने तो ब्लड के लिए जाना ही जाना है, जैसे ही वो बच्चे के अंदर जाएंगे तो बच्चे के अंदर देखेंगे वहां पर आरएच एंटीजन है तो वो उनको पकड़ के किल करेंगे, तो उसके आरबीसीज के ऊपर होती है एंटीजन, तो आरबीसीज भी डेड होंगे, जब आरबीसीज डेड होंगे तो इसको हीमोलाइटिक डिजीज बोलते हैं, रेसिस डिजीज बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। अब समझ आ गई है, पक्की बात है, मैं किसी को समझ ना आया तो वो मुझे बता दें, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, बड़ी आसान सी है ये, और इसको रीड कर लीजिएगा आप, कर दूं मैं रीड, इसको रेसिस डिजीज भी बोलते हैं,
आर एच नेगेटिव मदर दैट हैव हैड प्रीवियसली आर एच जिसका पहले से आर एच पॉजिटिव बच्चा था आर स्पॉन्टेनियसली बॉर्शन ऑफ द आर एच जहाँ पर उसकी बॉर्शन हो गई थी वो आई जी जी एंटीबॉडीज बना लेती है और बेसिकली आई जी जी एंटीबॉडीज ही होती हैं ये अगेंस्ट द आर एच और ये डफी एंटीजन होती है आर एच एंटीजन क्या होती है डफी एंटीजन इसको बोलते हैं आर एच डी एंटीजन बोलते हैं ऑफ द फीटस द एंटीबॉडीज देन डिस्ट्रॉय द आर बी सी सेल्स एंड आर आर एच पॉजिटिव सो जो आर एच एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडीज वो आर एच नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर देती हैं so IgG can pass through placenta and destroy the Rh antigen of Rh positive fetus present on surface of RBCs it leads to destruction of RBCs so called erythroblastosis fetalis और इसके लिए हम एक ड्रग देते होते हैं मेडिसिन रोगम मेडिसिन जो कि एंटी IgG एंटीबॉडी होती है जो कि जो IgG बनी होती है ना ये वाली जो एंटीबॉडीज बनी होती है मदर में उन एंटीबॉडीज को जाकर किल कर देता है जब एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी तो फिर वो किल भी नहीं करेंगी उसको इट इज गिवन टू मदर सो द इम्यूनो जो जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है अब मदर जो है ना उसमें IgG एंटीबॉडीज उसके खिलाफ नहीं बनेगी आर एच फैक्टर के खिलाफ वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी मदर कैन नॉट फॉर्म IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन इट्स क्योर्स फीटस फ्रॉम हीमोलाइटिक डिजीज अब इसके कुछ हार्मोनल फंक्शन ये देख लें हार्मोनल फंक्शन में सबसे पहले जो चीज होती है वो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से इनका काम क्या होता है और ये कब रिलीज होते हैं अराउंड 10th to 12th वीक इस वीक में ये प्लेसेंटा ये हार्मोन रिलीज करता है ये हार्मोन क्या करते हैं कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको मजीद थिक कर देंगे पहली चीज दूसरी चीज नंबर ऑफ वेसल्स बढ़ा देंगे नंबर ऑफ वेसल्स जो मदर की वेस्कुलेचर्स है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि आप बच्चे को ज्यादा ब्लड चाहिए होगा तो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स बढ़ जाएंगे तीसरा जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है ऑफकोर्स वो बढ़ जाएगी ठीक है चौथा ये जो सेक्रीशंस है जो आपकी सर्विक्स से सेक्रीशंस है वो ज्यादा रिलीज करेंगे वो जाके सर्विक्स को क्या कर देंगे म्यूकस म्यूकस बन जाएगा बहुत ज्यादा सर्विक्स के ऊपर सर्विक्स में जब बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है तो आपके जो जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी अगर हार्मफुल चीज सर्विक्स के जरिए इंटर होकर यूट्रस की तरफ जाना चाहेगी तो म्यूकस उसको किल कर देगा तो बाहर वाली कोई भी हार्मफुल चीज अंदर नहीं आ सकेगी इस तरह बच्चा क्या रहेगा प्रोटेक्शन में रहेगा उसको कोई डिफेक्ट नहीं होगा प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ और ये प्लेसेंटा की फीटस की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करते हैं तो प्लेसेंटा ने कौन से हार्मोन रिलीज किए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 10th 12th वीक में ये बने और पहला काम के एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिकअप करेंगे कैसे नंबर ऑफ वेसल्स बढ़ा देंगे ताकि गैस एक्सचेंज बढ़े न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी बढ़े और सेक्रीशंस बढ़ा देंगे सेक्रीशंस क्या करेंगी सर्विस को जो है ना वो लाइन कर लेंगे ज्यादा म्यूकस जब लाइन करेगी तो कोई भी पैथोजन बाहर से आएगा तो वो म्यूकस उसको क्या कर देगी किल कर देगी ताकि बच्चा सिक्योर रहे और डेवलपमेंट ऑफ फीटस होती रहे ओके नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन्स अब थायराइड हार्मोन्स बड़ी कम मिकदार में प्लेसेंटा बनाता है लेकिन थायराइड हार्मोन्स बनते कहां से थायराइड ग्लैंड से मदर से बनते हैं मदर से बनने के बाद ये थायराइड हार्मोन्स क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को और क्रॉस करने के बाद इनका काम क्या होता है ये CNS की डेवलपमेंट में काम आते हैं थायराइड हार्मोन्स तो प्लेसेंटा का एक काम यह भी होगा कि उससे जो है ना थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं क्रॉस कर सकते हैं और बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे जब CNS की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें ये काम आते हैं और अगर थायराइड हार्मोन कम पड़ जाए वो यहां से क्रॉस ना हो या फिर मदर के पास थायराइड हार्मोन्स कम हो तो फिर उस वक्त क्या होता है जो बच्चा होता है उसको क्रेटिनिज्म हो सकती है मीन दैट इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ CNS उसका CNS मुकम्मल तौर पर नहीं बनेगा एंड इट मे रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन और उससे बच्चे को मेंटल डिटार्डेशन भी हो सकते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होगा बच्चा उसका वो प्रॉपरली वो काम नहीं करेगा तीसरा आपके पास होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तीसरा कौन सा होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन अब इस हार्मोन का काम क्या होता है ये कौन बनाता होता है ये प्लेसेंटा बनाता होता है जब ये रिलीज करेगा सबसे पहले ये कहां जाएगा पैंक्रियाज के पास जाएगा किसके पास पैंक्रियाज के पास और पैंक्रियाज को बोलेगा कि आप जो इंसुलिन बना रहे हैं वो कम बनाए इंसुलिन क्या करें कम बने इंसुलिन का काम क्या होता है कौन बताएगा मुझे ब्लड शुगर लेवल को डाउन कैसे डाउन करती है ब्लड शुगर लेवल को हम अक्सर कहते हैं कि इंसुलिन जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है कि ये आपका ब्लड है इसके अंदर शुगर है वो डाउन करता है कौन इंसुलिन हम ये कहते हैं कि शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल क्या करता है डाउन करता है कैसे डाउन करता है और प्रॉपर आंसर बताएं और और एक और जो एग्जैक्ट आंसर है आप ऑलमोस्ट करीब है डॉक्टर जबर ऑलमोस्ट करीब है आपको पता है इंसुलिन का काम ये नहीं होता कि वो शुगर के लेवल को डाउन करे बेसिकली उसका काम ही और होता है उसका काम होता है कि इधर जो आपके बॉडी के सेल्स पड़े होते हैं सारे इन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है ना है ना और भाई जो आपकी बॉडी के सेल्स है उनको ग्लूकोज तो चाहिए होता है जो आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है वो ग्लूकोज सेल्स को कैसे मिलता है
इंसुलिन उनको देती है। इंसुलिन आती है कि इधर जितनी भी शुगर पड़ी होती है वो इंसुलिन इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है और इस शुगर को ब्लड से निकाल कर कहां देती है, सेल्स को, टिश्यू को सप्लाई करती है। जब वो टिश्यू को सप्लाई करती है तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है आपके ब्लड में, सही है। और यही वजह होती है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको शुगर ग्लूकोज उनके ऊपर ऑलरेडी हाई है, अब ग्लूकोज हाई है फिर भी उनको भूख लगती है ज्यादा, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो भले हाई है लेकिन वो ग्लूकोज उनके सेल्स को नहीं मिल रहा, तो सेल्स कहते हैं यार हम तो भूखे हैं हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो मजीद खाना खाता है। और इंसुलिन ऑलरेडी कम है, जितना भी खाना खाएगा फिर भी उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम है। तो इस तरह जो इंसुलिन का वो होता है। अब देखें इसने क्या किया, पैंक्रियाज को रोका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ने कि आप इंसुलिन कम बनाए। जब इंसुलिन कम बनेगी तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो मदर के जो सेल्स है उनको ग्लूकोज का लेवल जाएगा, ग्लूकोज उनको कम सप्लाई होगा, तो ज्यादा ग्लूकोज कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा। जब टिश्यूज ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो वो आपकी कोटिलेडरी कैपिलरीज और इंटरविलर स्पेसेस के जरिए जो एक्सचेंज है वो ज्यादा होगा, तो बच्चे को ज्यादा ग्लूकोज सप्लाई होगा। दैट्स इट, सो सिंपल। दूसरी चीज, ये सेल्स के ऊपर एक्ट करता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, जो मदर के सेल्स होते हैं, मॉम सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है, उनके ऊपर एक्ट करके उनकी लैपोलाइसिस कराता है। भाई क्या कराता है? लैपोलाइसिस। लैपोलाइसिस का मतलब है कि उनके जो फैट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कराता है और फैटी एसिड्स क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब फैटी एसिड्स ब्लड में बढ़ जाते हैं तो फिर वही फैटी एसिड्स बच्चे को जरा अवेल होते हैं। उसके अलावा ये जो ना मदर सेल्स को कहते हैं आप ग्लूकोजेनेसिस बढ़ा दें, जब ग्लूकोजेनेसिस बढ़ती है तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ब्लड में अब ग्लूकोज लेवल फिर बढ़ जाता है, फिर वही चीज़ जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बच्चे को अवेलेबल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये चीज़ें कैसे होती हैं ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, इधर ही ये देखें न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी, ये इसी के जरिए डिलीवर होते हैं प्लेसेंटा के जरिए। दैट्स इट, वही चीज़ें हैं सारी। ओके, उसके बाद रिलैक्सन होता है। एक क्या होता है? रिलैक्सन। अब रिलैक्सन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा एंड कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम से भी होता है लेकिन आखिर में जाके ये प्लेसेंटा से ज्यादा रिलीज होता है। अब इसका काम क्या होता है ये देखें, ये आपका रिलैक्सन, रिलैक्सन रिलैक्स करता है लिगामेंट्स को। किसके लिगामेंट्स को? आपके जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं, प्यूबिक लिगामेंट्स होते हैं, प्यूबिक लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है। जब प्यूबिक लिगामेंट्स मोस्टली जो है ना ये प्यूबिस सिम्फोसिस, इसके जो लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। इधर से देखें, देखिए प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटम मोस्टली प्लेसेंटा से बाद में रिलैक्सन रिलीज होता है। रिलैक्सन क्या करता है, नाम से खुद जाहिर है, इंक्रीजेस द लैक्सिटी ऑफ स्पेसिफिक लिगामेंट्स ऑफ प्यूबिक सिम्फोसिस, यानी उसको रिलैक्स करता है। उनको क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो जो पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। जब वो वाइडर होते हैं तो बच्चे का जो पैसेज होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है बच्चे का पैसेज। ये प्लेसेंटा का काम होता है और ये एंड स्टेज में जाकर रिलीज करता है, जब बच्चे की क्या हो रही होती है? डिलीवरी हो रही होती है। और यही हार्मोन होता है जिसने रिलीज होना होता है बच्चे की बर्थ से पहले। दैट इज वेयर। उसके बाद एक और होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है भाई। अब देखें लंग डेवलपमेंट के वाले से है। देखें मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो भी रिलीज करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और प्लेसेंटा भी इनको बनाता होता है। अब ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जाएगा और ये स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और ये अराउंड वीक 34 उस वक्त इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है। इसका काम क्या होता है? कॉर्टिसोल जो है ना वो लंग की डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कराता है। सर्फेक्टेंट का काम होता है कि जो आपके एल्वियोलाई है सर्फेक्टेंट एल्वियोलाई को क्या करता है? ओपन करता है, क्लोज करता है, सॉरी ओपन रखता है, कि ये इनको ओपन अप रखता है। क्या रखता है? ओपन अप, इनको कोलैप्स नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? कोलैप्स नहीं होने देता। तो मैंने क्या कहा कि ACTH बनेगा वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाएगा अराउंड वीक 34। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा तो कॉर्टिसोल क्या करता है कि लंग्स की डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है? लंग्स की डेवलपमेंट कराता है। और लंग्स की डेवलपमेंट कराने के बाद एक और चीज बनाता है, दैट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है कि वो जो एल्वियोलाई होते हैं उनको कोलैप्स नहीं होने देता, क्लोज नहीं होने देता, उनको ओपन रखता है। और बच्चा जब इनहेल करता है तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो इजीली इनहेल कर सकता है, एयर को अंदर लेके आ सकता है। अब अगर बच्चा प्री मैच्योर उसकी बात हुई है बिफोर 34 वीक्स, वैसे 38 वीक्स होते हैं लेकिन अगर 34 वीक से पहले बच्चे की बर्थ हुई है तो क्या कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होगा? कॉर्टिसोल तो 34 वीक के बाद बढ़ता है, तो कॉर्टिसोल नहीं होगा। कॉर्टिसोल नहीं होगा तो सर्फेक्टेंट बनेगा नहीं, तो जो ओपन अप हुए थे ये एल्वियोलाई वो ओपन अप होंगे नहीं, अब तो वो क्या होंगे? कोलैप्स होंगे। जब वो कोलैप्स होंगे तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा होगा कि वो एयर को इनहेल करे और अंदर लेके आए, क्योंकि उसके जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स हैं, वो क्लोज हैं, वो एयर ही अंदर नहीं आएगी। इसको हम बोलते होते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
सिंड्रोम इसको हम बोलते होते हैं। तो देखें कॉर्टिसोल प्लेज और ये उसमें डेवलपमेंटल रोल। इफ द बेबी इज बॉर्न प्रीमैच्योरली बिफोर 34 वीक्स देयर इज नॉट इनफ कॉर्टिसोल नॉट इनफ सर्फेक्टेंट द एल्वियोली ऑफ द बेबी विल बी कोलैप्स्ड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द बेबी टू पुल एयर इन एंड पॉप द एल्वियोली ओपन दिस लीड्स टू इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है समझ आ गया भाई इसके हार्मोनल फंक्शन भी समझ आ गए हैं और इनके जो है ना मेटाबॉलिक फंक्शन भी समझ आ गए प्रेजेंट आ गए। उसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि वेरी फेमस है इसका एक बड़ा फेमस लफ्ज है टॉर्च ये याद कर लें बस। पैथोजेंस कुछ पैथोजेंस भी प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में आ सकते हैं वो कौन से हैं एक नाम याद रख लें टॉर्च सीरीज कुछ और याद हो या ना रहो टॉर्च याद हो आपको। टॉर्च टी से होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये इन्फेक्शन होता है जो कि एक पैरासाइट कॉल्ड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इसकी वजह से होता है। ठीक है इन्फेक्शन है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और उसको प्लेसेंटा को डैमेज कर सकता है जो फीटल है उसमें डिफेक्ट्स और डैमेज कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट में आप स्पेरमाइसिन दे सकते हैं तब जब बच्चा अभी तक फीटस जो है ना वो इफेक्टेड नहीं हुआ। माँ के अंदर क्या है ये है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है सही है ये पैरासाइट उसके अंदर मौजूद है लेकिन बच्चा इन्फेक्ट नहीं हुआ तब आप उसको स्पेरमाइसिन अगर बच्चा इन्फेक्ट हो चुका है तो फिर आप कॉम्बिनेशन देंगे पेरीमेथामाइन और सल्फाडाइजिंग इसका आप कॉम्बिनेशन देंगे अगर बच्चा ऑलरेडी क्या है इन्फेक्टेड है सही है। ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा बात लिख दी है बस आपने याद क्या रखना है कि कौन से वायरस क्रॉस कर सकते हैं दैट इज टी टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर टॉक्सोप्लाज्मी गोंडी और इसका अगर बच्चा इफेक्टेड ना हो तो स्पेरमाइसिन अगर बच्चा इफेक्टेड हो चुका हो तो फिर इसका कॉम्बिनेशन देंगे। ओ से क्या बनता है ओ से बनता है अदर्स 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 कौन से एच आई वी सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस और स्पेशली हेपेटाइटिस बी ये वाले तीन चीजें भी इंटर हो सकती हैं प्लेसेंटा के जरिए बच्चे मदर से बच्चे में। उसके बाद आर आर से बनता है रूबेला ये बड़ा फेमस है बड़ा इंपॉर्टेंट है कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कॉज अ लॉट ऑफ कार्डिक एंड कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स एज वेल एज हियरिंग लॉस ये कार्डिक डिफेक्ट काज करता है और मैंने ये एक सीरियस में पढ़ाया भी है बड़ा डिटेल से कि रूबेला जो है ना ये कार्डिक और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का काज बनता है और हियरिंग लॉस का काज भी बन सकता है। उसके बाद सी से बनता है साइटोमेगालोवायरस CMW ये भी क्रॉस कर सकता है। उसके बाद एच से बनता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 इसकी मोस्टली ये क्रॉस कर सकती है। तो आपको टॉर्च याद हो कि ये वाला जो पैथोजेंस है ये वहां से क्रॉस कर सकते हैं टॉर्च याद रखें और टॉर्च के बाद तो आपको टी से आपको पता है टॉक्सो ओ से अदर्स बनते हैं एच आई वी सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस आर से रूबेला बनता है सी से साइटोमेगालोवायरस बनता है हर्पीस सिंप्लेक्स और ये सिर्फ टॉर्च इधर नहीं याद रखना ये टॉर्च टेस्ट भी होता है मैक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में ये हम टेस्ट करते होते हैं इन चीजों के लिए सही है। उसके बाद एक और वायरस है जाइका वायरस ये भी ये आजकल जरा जो रिसेंट रिसर्चेज है ना उनके मुताबिक ये वाला वायरस भी क्या कर सकता है क्रॉस कर सकता है उसको। और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स ये भी एक बैक्टीरिया है दैट कम्स फ्रॉम ये आपको पास्टराइज प्रोडक्ट्स या फिर लंच मीट से आपको ये मिलता है और ये भी क्रॉस कर सकता है लेकिन मोस्टली आपने वायरस याद रखने हैं और वायरस में भी आपने ये टॉर्च याद रखना है बस बाकी कुछ याद रहे या ना रहे टॉर्च याद रखना है और इसमें आपको इसके हवाले से डिजीज है वो आपने याद रखनी है और ये बर्थ के दौरान काम आता है और ये आपको पता है किस काम आता है कि डिवेलपमेंट न्यूट्रंस की डिवेलपमेंट बढ़ाने के लिए थायराइड हार्मोन्स जो है ना ये CNS में काम आता है और ये जो है ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का क्या काम होता है ये भी मेरे को और गैस एक्सचेंज और ये बड़ी फेमस डिजीज है ये भी आपने देखनी है। उसके बाद IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बिकॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट और उसके बाद साइज और न्यूट्रन डिलीवरी गैस एक्सचेंज और बाकी डिवेलपमेंट इसकी कैसे होती है मैंने डिटेल में पढ़ा ये थी हमारी जनरल एम्ब्रियोलॉजी दैट्स इट खत्म हो गया एम्ब्रियोलॉजी 8 लेक्चर्स हमारे बने कल से हम इंशाल्लाह ताला जो है ना सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है CVS की तो मेरे ख्याल में पहले ही हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी वो जो रिव्यू है ना वो दूंगा तो इस तरह जो है ना CVS पर हर एक सिस्टम की हमने एम्ब्रियोलॉजी इस तरह करनी है सही है। ओके कोई क्वेश्चन है तो पूछें अदरवाइज क्लास डिसमिस।